लाल की हुआ। और ये देखिए अभी हम योगा पे गए थे तो योगा से आए हैं। देखिए मिलाद के कैसे झंडे वगैरह लगे हैं। मैं रात का भी संभालूंगी। मैं आज ये ब्लॉग बनाने के स्टार्ट कर रही हूँ बहुत दिन के बाद। ये इंशाल्लाह कल तक ब्लॉग आपको मिल जाएगा। देखिए हम लोग योगा से आए और हमें से बहुत बड़ा फ्रैंक हो गया। हम लोग घर के बाहर रुके थे पर मैं शूट नहीं कर पाई वो, क्योंकि हमारे अब्बा चाबी लेके गए थे। हम लोग बाहर बैठ गए थे, हम लोग लेट हो गए हैं ना क्योंकि हम लोग 3 बजे गए थे तभी वो घर में थे। तो यहाँ पे हम लोग 5:45 के आसपास आ गए थे तो लेट हो गए थे। वो नमाज के लिए गए थे तो अभी हम आपके साथ ये ब्लॉग बना रहे हैं, आपके साथ पूरा शेयर करेंगे हम लोग मिलाद के लिए क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मिलाद में जो जो हम करेंगे ना आपको बताएंगे हम लोग, मतलब जैसे कल क्या करेंगे क्या नहीं। हम लोग मैं हालांकि हर साल लाइटिंग वगैरह करती हूँ पर इस साल मेरे लाइट थोड़े खराब हो गए और मैं ली भी नहीं, इस साल मुझे लेने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं जरूर लूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं जाऊंगी लाइट लाने के लिए तो मैं आपके पास बताती हूँ अगर मुझे मिलती है कैसे। मुझे जो चाहिए वैसे मिली ना तो मैं जरूर डेकोरेशन करूंगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। मैं मतलब घर में नहीं लगाती हूँ, मैं थोड़ा विंडो वगैरह पे लगाती हूँ, फ्रंट पे भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे प्लग नहीं है। प्लग नहीं, मैंने रखने के लिए बोला था पर प्लग नहीं रखा हुआ है तो मैं फ्रंट पे नहीं लगाऊंगी। मैं यहाँ पे विंडो है ना इस विंडो में ही लगाऊंगी क्योंकि पीछे की साइड में घर है ना तो मोस्टली चल जाएगा, उस तरफ लगाऊंगी। इस तरफ भी नहीं लगा सकती, यहाँ पे कनेक्शन डाला हुआ पर यहाँ पे प्लग जो है वो नहीं, सॉकेट नहीं लगा है तो मैं नहीं डाल सकती। पर मैं जो भी करूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम लोग जैसे कि बेसिकली हम लोग खीर वगैरह बनाते हैं तो हम लोग दिखाएंगे आपको इसी ब्लॉग में, दिखाएंगे फैमिली ब्लॉग में आलिजा के सफर में। कल मिलाद का सिलसिला बताएंगे आपको कैसा मिलाद हमारे दापोली में होता है। बाहर तो हम लोग जेंट्स लोगों में तो नहीं जा पाएंगे पर फिर भी अगर मुझसे कवर होता है तो मैं इस ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी कैसा करते हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ पर ये शॉप भी बंद हो रही है, अब देखते क्या मिलता है यहाँ पे। देखिए ये दुकान तो बंद हो रही थी पर इन्होंने चालू किया है, बोला हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसी लाइट मिलती है और देख के लेते हैं। देखिए बहुत सारी है वैरायटी पर अभी बंद हो रहा था ना। हाँ भाई ये अलग अलग चलते हैं क्या? अच्छा वो सिंगल है, वो सिंगल है, ये कलर वाला है। ये दो लाइट ली हूँ। हमारे यहाँ पे ना सबसे अच्छा मतलब मॉल तो बहुत है, 2-3 है पर ये इसमें यही से मैं सामान लेती हूँ। यहाँ पे मुझे खीर के लिए मिल्क मेड चाहिए। देखिए स्वीट्स की दुकान, मैं यहाँ पे मिल्क मेड ढूंढते हुए देखिए सडनली यहाँ पे सामने दिखा है मिल्क मेड। देखिए चॉकलेट्स वगैरह हर तरीके की वैरायटी है। मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने से मिल्क मेड लिया। यहाँ वैसे बैग बंद है ना, ये देखिए मेरी गाड़ी, ये देखिए मैंने इस तरीके से लाइट लगाया है रूम में, स्टार वाली जो आती है ना वो वाला है, मुझे यही मिला अभी फिलहाल। तो मैंने यहाँ मैंने इस तरह किया क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। अरे सर रुको, देखिए यहाँ पे ना डोर है ओपन होता है विंडो में। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलाद का झंडा लगाया मैंने। ये मैंने थोड़ा बहुत सा डेकोरेशन करने की कोशिश की हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। इसने तो स्टार वाला ये देखा है ना तो टिंगल टिंगल पोएम ही पढ़ रही है, उसे मज़ा आ रही है ना पापा। देखिए इस तरह और भी मैं कुछ मतलब मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं किया, मैं सुबह में करूँ। वैसे अभी लाइट्स लगाया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं गई थी तो मैंने ये लाइट्स लेके आया। देखिए इस तरह स्लो मोशन में, ये देखिए बहुत प्यारी लगती है और मुझे ना ऐसे बहुत पसंद भी थी लाइट। मैं हमेशा सोचती थी मैं लूँगी तो सोचा चलो मिलाद का टाइम है तो ले ही लेती हूँ। देखिए इस तरह बाहर से नज़र आ रही है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमारे मार्केट में हमारा तो जस्ट रास्ते पे ही घर है, ये देखिए सब दुकानें बंद है। देखिए हम लोग जाते जरा, देखिए मैं सुनसान गलियों में आप पहली बार निकले रात में। देखिए सुल्तान मोहल्ला, सुनसान मोहल्ला, सुल्तान मोहल्ला। ये देखिए हमारी मस्जिद कैसे सजाए हैं, मैंने डाला है और एक वीडियो भी छोटा सा। ये देखिए मैं अभी आई हूँ ना, ये ब्लॉग में भी आएगा
ये देखिए इस तरह बहुत प्यारा, ऐसा आगे नहीं जाऊंगी, यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी अभी घर के लिए। ये देखिए पूरा मार्केट का नज़र कितना प्यारा है। सुनसान रास्ता, ये देखिए यहाँ से अंदर जाएंगे ना तो जिम के लिए। देखिए मिलाद की तैयारी बच्चे कर रहे, ये सब मेरे भतीजे लोग हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मिलादुल नबी की सुबह मुबारक हो। ये देखिए आज हम लोग ये कपड़े पहनेंगे, या हम लोगों ने ना लेस लगा के, प्लेन कपड़ा था उसको ऐसे लेस लगा के, ये दुपट्टा भी मैंने प्लेन लिया उस पर लेस लगा के लिया है। ये देखिए ये मेरे बेटी को भी मैंने इसमें से कपड़ा सिलाया है फ्रॉक, ये देखिए इस तरह उसके लेस लगाई हो। ये देखिए 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 मैंने इस तरीके से कुछ उसे तैयार किया है आज रूम को। मोस्टली मैं बेडरूम में थोड़ा डेकोरेशन वेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि हॉल में तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब करती हूँ पर सिंपली करती हूँ, ज़्यादा भी ऐसा नहीं कुछ करती हूँ। ये वहाँ पे स्टेंसिल वायर वगैरह है ना, इसके लिए ऐसा लग रहा है। ये देखिए मैंने थोड़ा अच्छे से रूम पूरा क्लीन करके अब मैं आपसे रेडी होने के बाद ही दिखाऊंगी। खीर वगैरह बनाएंगे हम आज, खीर बनाएंगे, और नॉर्मली जो खाना जो घर में बनेगा वही मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगी इसमें। देखिए ये मैंने इस तरह हॉल को बीच में दूध वाले आ गए। सही से टीवी का ये नहीं आ रहा, उजाला आ रहा। अभी हम लोग चलते हैं खीर बनाने के लिए, अभी खीर बनाएंगे, खाना बनाएंगे, फिर फातिहा होंगी और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छे से खीर, अभी बंद करके रखे ना तो गाड़ी होगी इसके लिए, अभी हम ऐसे ही रखे नहीं तो ज्यादा ही गाड़ी होती है वो। अभी हम लोग इसमें डालेंगे क्या, हमें वेनिला एसेंस डाले, हाँ डाल दिए हैं, क्योंकि मैं शूट करने लेट हो गई तो अभी बंद कर रहे हैं। अभी मैं डिश आउट करते वक्त आपको दिखाऊंगी कि कैसी गाड़ी हुई, कैसे क्या हुआ है। खाना बन रहा है, एक बज गया इसलिए अभी मैं वीडियो नहीं बताऊंगी। वैसे भी हम लोग सालन बना रहे, गोश है यहाँ पे, तो मैं अभी देखो खीर भी तैयार है तो आराम से बनता है खाना तो ही दिखाती हूँ, और फिर मिलाद की तैयारी जो है, क्योंकि मिलाद के बारे में ब्लॉग है तो मिलाद के लिए तो खास खीर बनती है, फातिहा के लिए तो वो भी, और हम लोग गोश पे भी फातिहा मतलब खाना बना के भी फातिहा दिलाते हैं, उसका भी हम वीडियो बताएंगे। देखो मैं आ गई खीर बनाने के लिए, तो ये देखिए खीर के लिए शक्कर, ये तो चावल है बासमती राइस है, इसे से थोड़ा सा खुरदुरा पीस के, मैंने पीस कहा नहीं दिखाया क्योंकि मैं वो थी नहीं दूध लाने गई थी, तो ये देखिए खुरदुरा पीस के इसे अच्छे से धो के गर्म पानी डाल के रखा हुआ है क्योंकि वो अच्छे से भीग सके। और ये देखिए ये है मिल्क मेड, हम लोग एकदम ईजी तरीके से खीर बनाते हैं देखो। और ये एक लीटर दूध है, ये 150 ग्राम चावल है, ये 150 ग्राम शक्कर, 150 ग्राम ये ना शक्कर, 150 ग्राम शक्कर, और ये है कुछ काजू किशमिश, किशमिश भी है इसके अंदर नीचे, और ये है हम इसको क्या बोलते हैं चारुली, और ये मिल्क मेड डालेंगे हम लोग। शक्कर मिल्क मेड की वजह से थोड़ा कम ही लेंगे, इसमें से भी कम ही डालेंगे हम, पूरा नहीं डालेंगे। अब मैं दिखाऊंगी, ये देखो यहाँ पे टेक्सचर रखे हैं, अभी दिखाती हूँ आगे का। ये देखो आज अम्मी बना रहे खीर, अम्मी आपको भी ले रही, देखो अभी खीर बनेगा फिर खाना बनेगा।
पहले खीर बना के लेंगे फाते के लिए, खाने पे और फाते अम्मी खीर पे एक साथ दिलाएंगे ना। घी यहाँ पे गर्म हो गया, घी डाला हमने ज्यादा नहीं, हमें दो चम्मच रहेगा ना, दो चम्मच छोटे दो चम्मच घी है और यहाँ पे इलायची पाउडर डाल रहे हैं थोड़ी सी, और ये किशमिश वगैरह जो है हमारे पास उसे फ्राई करके लेंगे घी के अंदर। आज अम्मी का लकड़ी का चम्मच नहीं है, आज अम्मी चम्मच से बनाएंगे। अभी हमारा ड्राई फ्रूट तो फ्राई होगा ही, उसी के अंदर हम लोग ये चावल जो भिगा के रखे हैं वो डाल देंगे अंदर। ये डाल दे यहाँ पे, ऐसे से क्या होता है ज्यादा पकाना, मतलब चावल को पहले अच्छा पकाओ फिर उसको पीसो या फिर उसको हैंड मिक्सर से पीसो ये वगैरह करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग पहले ग्राइंडर में सूखे चावल घुमा के लेते हैं। पानी तो लेते हैं फिर थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसे पकाएंगे, अच्छा पकाने के बाद और उसमें दूध डालेंगे, दम पे रखेंगे 2 मिनट, अभी दम पे रखेंगे। देखिए ये देखो यहाँ पे चावल अच्छा गल गया है, देखिए अभी हम लोग दूध डालेंगे, तो यहाँ पे आप देखते रहो शूट होते रहेगा। मैं जरा कैमरा इस तरह एनिमेशन बनाएंगे, आप लोग देख लो इस तरह दूध डालें। अभी हिला के उसके अंदर हमें केसर भी डाल देंगे, ज्यादा नहीं डाल रहे थोड़ी सी केसर डाल रहे क्योंकि उसका अच्छा कलर है। अभी पकने के बाद दिखा, देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने अभी दूध और क्या डाला हमें अपने केसर, अभी हम लोगों ने मिल्कमेट नहीं डाला है, मिल्कमेट अभी डालेंगे, मिल्कमेट और शक्कर हम लोग डालेंगे जरा ये बॉईल आने के बाद। ये देखिए खीर हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे मिल्कमेट और थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से शक्कर, और मीठा ज्यादा कम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। देखिए यहाँ पे मिल्कमेट डाल रहे हैं 1 चम्मच, दो चम्मच, ये 1.25 किलो का रहता है तो 100 ग्राम डाले हैं, देखिए आधा डाले आधा है, 200 ग्राम का डब्बा है वो हमने ना, 200 का ये कि 400 का, हाँ 400 ग्राम है, तब हम 200 ग्राम डाले, 200 ग्राम डाले हाँ, सॉरी मैंने देखा नहीं था। और अभी यहाँ पे शक्कर देखिए होता अंदाजे से अपने डाल रहे हाथ से, देखिए बस। अभी मैं आपको पकने के बाद ही दिखाऊंगी कैसे हमारी खीर पकी है, जब मैं डिश आउट करूंगी ना उस वक्त दिखाती हूँ, अभी तो ये क्या पकते रहेंगी बारीक आंच पे पकते रहेंगी अभी कम से कम 10 मिनट। और मुझे है ना इसके बारे में भी आपको बताना है कि मैंने लेस कहाँ से ली कैसे ली, मैंने इसका भी फुल ब्लॉग बनाया था, ये एक्चुअली मैंने किसी और चीज से मैंने सिलाई थी है ना अम्मी कपड़े, तो मैं कुछ और मतलब चल मिलाते हैं तो मैंने बोला चलो पहन लेती हूँ इसके लिए, तो मैं ये आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कहाँ से कपड़ा ली क्या की क्या नहीं की, तो मैं सब बताऊंगी। यहाँ पे मेरी अलीजा कार्टून देख रही है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे की हूँ कहाँ से ली क्या की। ये ना एकदम प्लेन दुपट्टा मैंने लिया था उसके ऊपर मैंने लेस लगाया, और मेरे टेलर तो देखिए बढ़िया कपड़े सिलते हैं, उनके बारे में बताऊंगी कहाँ पे नहीं, वो मैंने ब्लॉग अलग से शुरू किया था सोचा था मैं बताऊंगी, पर चलो मैंने आज ही ये कपड़े पहन लिए तो मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे खेत जितनी गाड़ी हो गई, देखे ये देखिए ये किशमिश ये सब, ये देखिए दाम बोले खीर उनकी खराब हो गई है, देखिए मैं यहाँ पे डिश आउट करूँगी वो फाते के लिए निकालती हूँ मैं, इस तरीके से निकाल के दिखाती हूँ।
देखिए यहाँ पे मैंने खीर इस तरह निकाल दी है खाते के लिए। मैं फूल लाने के लिए नहीं गई, आज जाने नहीं मिला मुझे। ये देखिए फातिहा के लिए तैयार है, अगरबत्ती भी लगा दी हूँ। देखिए हमारा सालन बन के तैयार है। ठीक है अम्मी यहाँ पे सालन मतलब फातिहा के लिए जो ज़रूरी है वो सब रखेंगे। ठीक है यहाँ पे फातिहा का भी प्लेट तैयार है। यहाँ पे फातिहा शुरू हो गई थी, यहाँ पे फातिहा होने के बाद अभी से जाएंगी और देखिए मैं यहीं पे एंडिंग ले रही हूँ। हमारे बच्चे आ चुके हैं, मेरी तो घर पे है, ये दोनों भी आ गए हैं। तो अभी मैं इस ब्लॉग की लास्ट एंडिंग ले रही हूँ यहीं पे इन पर। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।